सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और मौजपुर का दौरा किया। अजीत डोभाल वहां स्थानीय नागरिकों से मिले। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हमें बताइए, यहां पूरी की पूरी फोर्स आप लोगों के लिए तैनात है। अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हुक्म से ही वो यहां पर पहुंचे हैं, आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एक महिला से बात करते हुए कहा कि प्रेम की भावना बनाकर रखिए, हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा कि आपके होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं है, आप आ गए हैं, हम लोगों में हिम्मत आई है। आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं दूर जा रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने आप को अच्छी तरह से अच्छी तरह से सबके लिए यहाँ पर खाई भी सबके लिए और सबके लिए सबसे जरा सा भी कोई तकलीफ आप पता नहीं है, सारी की सारी फोर्स अब ये यहाँ पर इसीलिए लगी है ताकि आप लोगों की सुरक्षित किया जाए। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल कहाँ नहीं रहते? मैंने कोई नहीं, हार्ट फेल होता इतना कच्चा हार्ट मत रखा करो कि फेल हो जाए। सर आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं है, आप आ गए हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कर रहे और ये है तो खेल के भावना बना करके सबके साथ में अपनी ये हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है, देश को मिलकर आगे बढ़ाना है। हम लोगों को अलग अलग सुखों में बच बच है, ये देश को पुलिस के साथ में मदद करें, कानून के बातों को करें और कानून के साथ आप लोग अब जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए अलग बात के लगा रहे हैं। आप लोगों को अलर्ट रहो, लोगों के साथ यही आप लोगों ने रहना है, यही आप लोगों ने बात करने को बच्चों ने पढ़ना है। आपको भी अपने हिसाब से खबर करना चाहिए, पुलिस के साथ बाकी हमें ऐसा है कानून के अंदर में हमारे को रहना है, ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे अपने लिए और हमारे बच्चों के इनकी सलामती भी है। वही हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद अजीत डोभाल ने कहा कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे इलाके में घूमा हूं, लोग एकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जहती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती का की जिम्मेदारी ले। हम एचएम साहब ने इसका वो किया है और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा, यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी। मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है।